हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जहां सीएम ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षा परिणामों को भी समय से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को अपनी परीक्षा प्रमाण की प्रतीक्षा होगी, ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणामों को समय पर जारी कर दिया जाए। खबर प्रयागराज से है, जहां अटाला हिंसा मामले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के आधार पर करीब 40 उपद्रवियों की तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने अटाला इलाके में गश्त किया और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं डीएम और एसएसपी ने अटाला की गलियों में गश्त किया और लोगों से शांति की अपील की। बानवे लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद 40 और लोगों के नाम बहुत ही क्लियर है, नाम पते उनके पीछे पुलिस काम कर रही है। वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं, लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो NBW जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा 45 ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं जिनमें क्लैरिटी है कि वो उपद्रवी ईंट फेंक, पत्थर फेंक रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। उनके वीडियोस को, फोटोज़ को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए पोस्टर बनाया गया है और सोशल मीडिया में मीडिया बंधुओं को कुछ पोस्ट। खबर कानपुर से है, जो SIT के आरोप तय करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दंगे में शामिल गिरफ्तार 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है, जिसके बाद मौके पर DIG कानपुर कोतवाली पहुंचे और बताया कि DIG SIT ने 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, बहुत जल्द बचे अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कानपुर में सिखों के विरुद्ध हुए नरसंहार के प्रकरण की जांच SIT को 2019 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सौंपा गया था। उसके क्रम में 29 अभियोगों में 20 अभियोगों की जितना हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिसमें से 11 अभियोगों में कुल 96 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिसमें 74 अभियुक्त जिंदा हैं और बाकी जो है 22 अभियुक्त की डेथ हो चुकी है। उन्हीं 74 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना किदवई नगर के क्राइम नंबर 368/84 के वांछित अभियुक्त हैं और इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य की कार्रवाई है हो चुकी है और इनको गिरफ्तार करके। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बिना अनुमति के प्रदर्शन करने से रोकने पर हंगामा हुआ, जिस पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेने के निर्देश देते हुए मुरादाबाद पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। जी, पूरे मंडल में सभी अधिकारी जो बीट चौकी लेवल से, जो हमारे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर लेवल से सभी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, सबसे पहले तो वो एक सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। सभी अधिकारी नियमित रूप से जनता से, सभी पक्षों से संवाद कर रहे हैं। जो भी संदर्भ में कार्रवाई हुई है उस संबंध में उनसे अवगत भी करा रहे हैं। पीस कमेटी मीटिंग्स, जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स की मीटिंग है, जो हमारे और C-Plan ऐप और उसके थ्रू लोग जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं फिजिकल मीटिंग करके, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा हमें संज्ञान में आए कि कुछ आपत्तिजनक चीज़ें या इस तरह की चीज़ें की गई हैं, वहाँ पे भी तत्काल प्रभाव से ही सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग पंजीकृत कर। खबर वाराणसी से है, जो 1990 से शुरू हुए नरसंहार सैकड़ों हिंदू मारे गए। घटना के 3 दशक के मोक्ष की नगरी काशी में इन्हें मृत हिंदुओं ने के आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान हुआ, जिसमें फिल्म अभिनेता अनुपम खेर शामिल हुए और मृत हिंदुओं के आत्मा की शांति के लिए कामना की।
अब सही भाई लेकिन 32 साल तक मीडिया ने न पॉलिटिशियंस ने न देश की जनता ने उनका साथ दिया। अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस बदायूं बिसौली के ग्राम पंचायत मलिकपुर में पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें टंकी के लिए बोरिंग की जा रही है, लेकिन चंद्रपुर के कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण कार्य रुकवा दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और कर्मचारियों से भेदभाव न करने की अपील की। साथ ही कहा कि अगर नियम के तहत कार्यवाही नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन सभी ग्रामीणों के साथ खड़ी है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर टंकी निर्माण को सुचारू करने की मांग की है। मतलब ये है कि जल निगम द्वारा जो है यहाँ पे टंकी आई थी और प्रशासन के दबाव में जो लोग यहाँ से मशीन ले रहे हैं, रात में गड्ढा पाटा जा रहा है। क्या गड्ढा? जो यहाँ पर बोर हुआ था। क्यों? नेताओं के दबाव में। मतलब ऐसा क्या दबाव है जो प्रशासन काम नहीं कर पा रहा? तो ये लोग जाने भाई, ये सब लोग आए, जे भाई वगैरह जे ही हैं, ठेकेदार हैं। बनने नहीं दे रहे हैं। दुर्घटना होने के पूरे पूरे चांस है, बोर पूरा आपका 100 फीट खाली है, लेकिन आप बढ़ावा दे रहे हो दुर्घटना को। रात के 10 बजे आपको क्या आवश्यकता आने की? सर, हम दोपहर में इस बारे में दोपहर में भी आए थे, लेकिन मीडिया थी दोपहर में, आप नहीं थे वहां पे। दोपहर में हम आए थे लेकिन लोगों ने इस बोर को भरने नहीं दिया। यदि दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी जल निगम की आ जाएगी, जबकि इस बोर को हम भरवाना चाह रहे हैं। यदि कोई गिर गया इसमें कौन जिम्मेदार होगा बताइए? अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सैंक्शन हुआ है यहाँ पर बोरिंग का, सब चीज सैंक्शन हुआ है, तो सैंक्शन होने के बाद फिर ये बोरिंग पाटा क्यों जा रहा है? सेंशन अभी ये बोरिंग पाटा नहीं जा रहा, केवल मशीन हटाई गई है कि हाँ जो भी होगा दोबारा होगा तो यही हो जाएगा। आप ही बोल रहे हैं, इतना पाट रहे हैं हम इसको। खबर कानपुर से है, जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से सर्किट हाउस में जनसुनवाई का आयोजन किया गया और जनसुनवाई के अंतर्गत सैकड़ों महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जिस पर पूनम कपूर ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के लिए आदेश करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। महिला जनसुनवाई है जो प्रत्येक माह के बुधवार को हर जनपद में होती है। इसमें आज महिला जनसुनवाई के साथ साथ महिलाओं की चौपाल और एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमने लाभार्थियों को, हमारे सभी विभागों ने उनको बुलाया था कि जो ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं आई हैं धरा। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना साहिबाबाद के शहीद नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह युवक कमरे के पंखे से लटका मिला, लेकिन कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक कमरे के अंदर दारू की बोतलें भी बरामद हुई हैं। वहीं अब आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी की खोज की और जेल भेजी। पूरी टीम के द्वारा जब सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य गोपनीय सूत्रों से जब सारी चीज़ें जब इकट्ठा की गई साक्ष, और इसके बाद अतुल से जब पूछताछ की गई, तब इसके द्वारा अपना घटना करना स्वीकार किया गया है और सारे जो रिलेवेंट साक्ष्य हैं वो सब। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।